तो बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में बात कर रहे थे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। एंड आई डिस्कस सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। टुडे आई एम गोइंग टू डू सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर आईआईटी एग्जाम्स। तो एक क्वेश्चन में लेता हूं, लेट If omega is not equal to 1, be a cube root of unity and 1 plus omega square to the power n is equal to 1 plus omega ki power 4 to the power and then the least positive value of n each option bhi diye gaye hain aur ye question bachcho jo hai IIT exam ka question hai। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं 2, 3, 5, 6 सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बिफोर प्रोसीडिंग वी शुड नो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सम बेसिक प्रॉपर्टी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो आपको पता है कि डब्ल्यू क्यूब इजिकल टू और ओमेगा क्यूब इजिकल टू 1 होता है एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू 0 होता है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी यहां पे यूज हो जाएगी। तो देखिए, और इसके जो तीन रूट्स होते हैं द क्यूब रूट्स आर व्हाट आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 - 1/2 प्लस आयटा √3/2 -1/2 माइनस आयटा √3/2 और इसमें इसको हम ओमेगा डब्ल्यू मान लेते हैं क्योंकि ये प्रिमिटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। इसको भी आप मैंने आपको बताया था कि इसको भी आप डब्ल्यू या ओमेगा मान सकते हैं। अब इसमें ये इन्होंने कहा है कि मतलब जो डब्ल्यू है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है अदर देन 1, तो या तो ये रहा होगा या तो ये होगा, और दोनों में से किसी को भी आप डब्ल्यू मान लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 की पावर n। दिस इंप्लाइज, सिंप्लीफाई करिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, माइनस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, तो ओमेगा की पावर 4 को आप लिख सकते हो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ये ओमेगा की इक्वल आ जाएगा। तो ये आ गया, दिस इंप्लाइज माइनस ओमेगा की पावर n इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर n, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और यहां से आप लिख सकते हो, आपको पता है कि ए बी की पावर एन क्या होता है, ए की पावर एन बी की पावर एन, तो यहां से बच्चों आ जाएगा दिस इंप्लाइज माइनस 1 की पावर एन इंटू ओमेगा की पावर एन इजिकल टू माइनस 1 की पावर एन इंटू ओमेगा स्क्वायर की पावर एन, और ये कैंसिल हो जाएगा बिकॉज माइनस 1 की पावर एन is either 1 or minus 1, n is even, n is odd, यानी 0 कभी नहीं होता है। तो अगर बच्चों अगर देखो ए बी अगर ए सी के इक्वल है, सो दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू सी इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, कीप इन माइंड एक को कैंसिल आप तभी कर सकते हो जब ये 0 ना हो, अदरवाइज आपको पता है कि कंट्राडिक्शन मिल जाएगा आपको। जैसे देखो 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0 इंटू 8, तो 0 को कैंसिल कर दो तो 4 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये गलत है, 0 को आपके जैसे कई बच्चे हम मेरे पास कुछ भेजते रहते हैं, बड़ा फन वाला मैथ फन सब्जेक्ट है ही आपको पता है, तो कई बच्चे ये मेरे पास भेजते हैं कि सर 4² - 4² इज इक्वल टू 4 - 4 इंटू 4 + 4 ऐसे लिखते हैं वो,
ठीक है ना। और इनफैक्ट इसको आप, ये जीरो है, इसको आप जीरो को आप 2-2 भी ले सकते हो, तो 2-2 4-4 भी ले सकते हो, तो ये दोनों इक्वल हो गए। सो 4-4 इज इक्वल टू 4-4 × 4+4। अब यहां से इसको कैंसिल कर दो, तो 4+4 इज इक्वल टू 1। तो ये सब बच्चे ये मेरे पास भेजते रहते हैं, तो ये इसलिए सब होता है क्योंकि आपने जीरो से कैंसिल कर दिया, जीरो से कैंसिलेशन अलाउड नहीं है। तो जीरो से कैंसिलेशन करोगे तो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो -1 की पावर n को -1 की पावर n से मैंने कैंसिल कर दिया, कैंसिल करना अलाउड है, ऑथराइज्ड है, इलीगल नहीं है ये, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज ओमेगा की पावर n इज इक्वल टू ओमेगा की पावर 2n। यहां पे हम पहुंच गए। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि ये दोनों इक्वल कब होंगे। ओमेगा ये दोनों इक्वल, n पॉजिटिव इंटीजर है तो n को 1 ले लो, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, नॉट पॉसिबल। n को आप 2 ले लो, सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा की पावर 4। तो यहां पे बच्चों आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा, नॉट पॉसिबल। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के इक्वल नहीं होता है। n इज इक्वल टू 3 ले लो, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू ओमेगा की पावर 6, और ये 1 इज इक्वल टू 1। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो बच्चों ये बात समझ में आ गया आपको? देखो क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आ रहे हैं, इससे आपको एक फील आ जाएगा, एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। तो ये समझ में आ गया आपको? यस नो में जवाब दो, डिड यू गेट इट आर नॉट? तो आप समझ सकते हो कि देखो एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हर एक बच्चा, मैं आपको बता रहा हूं, हर एक स्टूडेंट, कोई भी अगर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है और डायरेक्शन सही है, डायरेक्शन सही होने का मतलब वो सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहा है। देखो हार्ड वर्क के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी है, तो डायरेक्शन भी सही है और हार्ड वर्किंग है, तो ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो आप देख सकते हो आपके सामने है, आप उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, देखो ये क्वेश्चन बच्चों 2004 में पूछा गया था। जो मैंने आपको दिया हुआ है ना एक बुक, जो स्टडी मटेरियल लगाया हुआ है प्रीवियस ईयर आईआईटी क्वेश्चंस का, वो लेटेस्ट बुक है बच्चों, तो वो आपका स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में लगा हुआ है, उसी से क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, प्रीवियस ईयर आईआईटी के क्वेश्चन है ये। तो आप भी जाकर के और भी क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करते रहो। देखो बच्चों मैं बेसिकली जो है मेरा एम होता है 50% आपको थ्योरी पढ़ाऊं और 50% क्वेश्चन कराऊं, ठीक है ना। 100% जब क्वेश्चन कराना शुरू कर दूंगा ना, तो आपको शायद जो है दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब तक आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, कॉन्सेप्चुअल सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करना शुरू कर दूं तो इससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं एक बैलेंस बनाता हूँ 50-50 वाला। तो चलो कुछ क्वेश्चन और करता हूँ, इसलिए आप लोगों का मेहनत करना जरूरी है, आप लोगों का खुद से क्वेश्चन करना जरूरी है। अब ये बच्चों क्वेश्चन एक और ले रहा हूँ, ये भी आईआईटी में 1999 का क्वेश्चन है। If iota is equal to under root minus 1, जानते हो आप लोग ये होता है, then 4+5 -1/2 + iota √3/2 × 3/4 + 3 × -1/2 + iota √3/2 × 3/65 ऑप्शन, चार ऑप्शन हैं, 1 - iota√3, -1+iota√3, c iota√3, d - iota√3। तो बच्चों आप लोगों को मैंने क्लास में वो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका की पावर 10 हो या 100 हो या कोई भी पावर हो, वो मैंने आपको सिखाया हुआ है, वो मैंने आपको बताया हुआ है। वो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर पावर अगर है तो आप उसको सॉल्व करना जानते हो, आप बताओ मुझे, लिख करके चैट करके बताओ। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है
और वो सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके बारे में मैंने उसके पावर के बारे में, चाहे कुछ भी पावर क्यों ना हो, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर, मैंने आपको बताया हुआ है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम क्या है, बताओ, लिख के बताओ। बहुत जल्दी जवाब आ गया, पूरा स्क्रीन भर गया, इसको बोलते हैं जवाब। वेरी गुड, लेकिन फिर भी अभी सभी लोगों का नहीं आया, तो बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, आयटा, ठीक है ना, आयटा की पावर n, n इज अ इंटीजर, तो आयटा की पावर n मैंने आपको बताया था ये इट कैन बी वन माइनस वन आयटा माइनस आयटा, इन्हीं चार में से कोई एक वैल्यू होगा डिपेंडिंग अपॉन n, n के ऊपर डिपेंड करता है ये। लेकिन बच्चों आपको क्या नहीं बताया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्या बताया है मैंने, ये तो हो गया, मैंने आपको ये नहीं बताया है कि हाउ टू डील विथ जेड की पावर एन, वेयर जेड इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर एंड एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एन इज ए इंटीजर, ठीक है ना। मैंने कुछ सिंपल केसेज आपको बताए हैं, जैसे जेड इक्वल ए प्लस आइटा बी, तो जेड स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस आइटा बी का स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आइटा, मैंने आपको जेड क्यूब बताया था, तो इसका बच्चों रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर क्या आ गया, चलो बताओ, लिख के बताओ एक बार, बार बार ये चीज मैं पूछता हूँ आप लोगों से, व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इफ जेड इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, सब लोग बताओ, आइटा छोड़ क्यों रहे हो, टू ए बी आइटा होगा ना, क्या होगा बताओ, यू हैव द चांस टू करेक्ट, अच्छा पूरा क्लास बिगड़ गया है सही गुड बच्चों, ये टू ए बी होगा, ठीक है ना, हाँ वेरी गुड, इट इज टू ए बी नॉट टू ए बी आयटा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चों जो रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है वो दोनों रियल नंबर्स होते हैं, जैसे ये जेड इक्वल टू ए प्लस आयटा बी है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा ए, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा। अब देखो व्हाट्सएप पे मैंने आप लोगों से कम्युनिकेट किया था, ठीक है ना, इम्फेसाइज किया था मैंने, और सभी लोगों ने इस चीज को सीख लिया, यानी व्हाट्सएप से भी हमको फायदा मिल रहा है, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन से भी फायदा मिल रहा है, हमको वो सारी चीजें यूज करनी है जिससे हमको फायदा मिलता है। तो हम मैंने क्लास में बताया था, लेकिन उसके बावजूद भी काफी मिस्टेक्स आए थे, लेकिन फिर मैंने जब उसको व्हाट्सएप पे बहुत क्लेरिफाई किया, एक डिस्कशन किया, तो उससे देखो सभी को आ गया ये चीज समझ में, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है ना। तो बच्चों अच्छा मैं आपको बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं बच्चों, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, बना यहीं पे मैं एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूं आपको, चलो बताओ। अब देखो इसी इसी छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर, आप बोलते हो ना सर बड़े बड़े क्वेश्चन क्या होते हैं, कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, हमारा जो शरीर है बच्चों, हमारा जो शरीर है वो सेल से मिलके बना हुआ है, सेल्स, छोटी छोटी सेल से मिलके बना हुआ है, तो अगर आपको सेल के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है तो आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में भी आपको अंडरस्टैंडिंग होने के लिए एक जरूरी कंडीशन है, और हो भी जाएगा। तो वैसे ही बच्चों कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो है ना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से मिलके बना होता है, उन कॉन्सेप्ट को अगर लर्न कर लोगे ना, अब कोई भी बड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कैसे बन जाता है, क्योंकि उसमें ढेर सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, लेकिन वो सारे कॉन्सेप्ट को अगर देखोगे ना अलग अलग करके तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो जैसे चलो अभी इस पे मैं आ जाऊंगा, तो बच्चों जैसे इस क्वेश्चन पे मैं थोड़ा थोड़ी देर के लिए आता हूं, तो मैंने आपको यही बताया कि जेड स्क्वायर तो चलो निकाल दिया है, यहाँ पे जेड क्यूब भी निकाल लेंगे, लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना कि आयटा की पावर निकालना था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये आप निकाल रहे हो तो इसमें यूज हो रहा है, देखो ए क्यूब प्लस आयटा बी का क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर आयटा बी प्लस थ्री ए आयटा बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों इंटरेस्टिंग बात यह है कि ए क्यूब और यहाँ पे आयटा क्यूब आ रहा है ना,
देखो यहाँ पे पावर थ्री है, जेड की पावर थ्री है, लेकिन यूज क्या हो रहा है यहाँ पे, आयटा का क्यूब यूज हो रहा है, और आयटा का क्यूब क्या होता है, माइनस आयटा प्लस थ्री ए स्क्वायर बी आयटा, और फिर आयटा स्क्वायर क्या होता है, तो ये आ गया ए क्यूब माइनस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस आयटा थ्री ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्यूब क्या आ गया, ए क्यूब माइनस थ्री ए बी स्क्वायर आएगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्यूब क्या आ जाएगा, थ्री ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, ये आ गया आपका। तो आपने यूज क्या किया, आयटा की पावर एन का ही यूज हुआ, लेकिन जेड स्क्वायर जेड क्यूब जेड की पावर फोर इन जनरल क्या होगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ठीक है, तो इस पे हमने बहुत ज्यादा बात नहीं किया था, लेकिन आयटा की पावर चाहे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, ये हमने डिस्कस किया हुआ है और इसको कंप्लीटली डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। हम किसी भी पावर का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर, जैसे जेड स्क्वायर जेड क्यूब और इन जनरल, इस पे भी बात और ज्यादा करेंगे, लेकिन अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। अब बच्चों ये क्वेश्चन से ये लग रहा है, लग रहा है, ऐसा सिर्फ लग रहा है कि ये तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका पावर है ये, लेकिन ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, दिस इज अ स्पेशल कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, हु विल टेल चैट, ये एक खास तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर है। दैट्स ग्रेट, यस। तो बच्चों देखो ये इन्होंने, एग्जामिनर ने कंफ्यूज कर दिया है थोड़ा सा, यस यस यस। तो बच्चों ये जो है आपको समझना है यहां पे कि ये कोई जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, बट एक खास तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ओमेगा का पावर जो है बच्चों, ओमेगा का पावर हमने डिस्कस किया हुआ है, ओमेगा का पावर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ये बहुत अच्छे से डिस्कस हुआ है। देखो आप लोग देख लो, आप ये नहीं कर सकते हो कि मैंने डिस्कस नहीं किया है, अगर पढ़ोगे आप नोट्स को अच्छे तरीके से तो आपको मिलेगा, ये देखो भरपूर मिलेगा, देखो सब मिल रहा है यहाँ पे। एक महीने बाद आपको लगेगा कि ये तो हमने किया ही नहीं कभी, वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हम नोट्स को रिवाइज नहीं करते हैं। बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, थोड़ा सा मैं कहानी आपको बता देता हूँ, इंस्पिरेशनल है और मोटिवेशनल है। एक फिश थी, मछली थी, मैं ये कहानी सुनाता हूँ बच्चों को, और हो सकता है मैं आपको बार बार इसको सुनाऊं क्योंकि इससे बहुत सीखने को मिलता है। एक मछली थी बच्चों, और वो मछली जो है मतलब समुद्र में रहती थी, और वो जो है एक चीज की खोज में निकल पड़ी कि वो उससे, उसको मैं देखना चाहती हूँ या देखना चाहता हूँ कि वो होता क्या है, वो कौन सी चीज थी। आपने कहानी कभी पढ़ी है, सी वॉज सर्चिंग फॉर समथिंग, she was very curious to see something, what was that, and she was living in a water, and that was nothing but a ocean. Finding what, ye kya hai, finding nemo, ye kya hai, nemo kya hai, ye kahani aap bahut motivation milti hai, maine bahut bachpan mein bhi ye kahani maine suni thi aur mujhe bada acha laga tha, isliye main aap logo se share karna chahta hu ye। बच्चों वो सर्च कर रही थी, सी वाज लुकिंग फॉर वाटर, इनफैक्ट सी वाज लिविंग इन ए वाटर, एंड वाटर वाज सो ऑब्वियस फॉर हर दैट सी हर्ड ऑफ समवेयर अबाउट वाटर, एंड सी स्टार्टेड लुकिंग फॉर वाटर, वेयर इज वाटर, एंड सी वाज लिविंग इन वाटर। समझ में आ रही बात। तो कई बार क्या होता है ना कि देखो जैसे कि हम, हमारे आस पास ही वो चीज है और उसकी हम तलाश करते हैं कि यार वो चीज कहां पे है, और हम, हमारे पास ही वो चीज है। समझ में आया इसका मतलब बच्चों, आपको इसका भाव समझ में आया आपको, डिड यू गेट द मीनिंग ऑफ दिस स्टोरी, बोलो यस नो में जवाब दो, डिड यू गेट द मीनिंग। मींस वो बड़े से समुद्र में बचपन से ही, मान लो राइट फ्रॉम द बर्थ वो बड़े से समुद्र में रह रही है, लेकिन और उस, और जहां पे वो रहती है वो उसके लिए ऑब्वियस चीज है, लेकिन उसने कहीं से सुन लिया वाटर, there is something called water, and she was looking for water, but she was living in a water। ऐसा होता है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये हमको जो है, तो मैं आपको यही बोल रहा हूं कि आप अच्छे से चीजों को पढ़ोगे, जैसे आपका क्लास नोट्स है, इसमें सब कुछ है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं, एवरीथिंग इज देयर, आपको कहीं कुछ तलाश करने की जरूरत नहीं है। आप
या तो वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे कहीं मिल जाएगा, या थोड़ा सा आप थोड़ा सा दिमाग खर्च करोगे तो मिल जाएगा, क्योंकि मैं इस पे काफी वर्क करता हूँ, आई डू अ लॉट ऑफ रिसर्च। मैं ये चीज ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैंने इस पे मोर देन 15 इयर्स मैंने रिसर्च किया हुआ है इस पे, कि कोई भी चीज ऐसी ना हो जो छूट जाए, हर एक चीज कवर हो बच्चों। तो देखो अब जो है यहां पे देखो, ये बच्चों ये वही है, ये जो है ओमेगा है, तो इसको लिख लो। अब इसका नया लुक इस प्रॉब्लम का कैसा आएगा, देखो नया लुक आएगा सॉल्यूशन 4+5 ओमेगा की पावर। अब देखो आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व भी करना शुरू कर दिया, +3 ओमेगा की पावर 365। यहां पे बच्चों पावर 365 है। अब ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोग सॉल्व कर लोगे, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। तो बच्चों ऑप्शन क्या आ रहा है सबका बताओ। तो देखो बच्चों, हाँ गुड, सब लोग ट्राई कर रहे हो। देखो ये जो है 334 है, तो बच्चों आपको पता है कि इस 334 को आप लिखो 4+5 ओमेगा 3 के मल्टीपल में, पहले लिख लो इसको। सो 330+4 तो 333+1+3 ओमेगा स्क्वायर, और इसके पावर को ओमेगा इसके इसको भी 3 के मल्टीपल में लिख लो, तो 363+2। देखो इन तीनों का सम क्या है, इन तीनों का सम क्या है, 12 है, 12 इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। यहां पे देखो इन तीनों का सम क्या है, 9 है, तो ये नंबर भी आपको डिविजिबिलिटी बाय 3 का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 24 है तो ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 2+4 कितना है, 6 है। बच्चों ऐसा इसलिए होता है कि देखो 24 है, तो 24 को आप लिख सकते हो 10 × 2+4। वैसे 24 का मतलब यही होता है, ये तो बस एक लिखने का तरीका है, ठीक है ना, 24 का मतलब ये होता है। अब इसको 3 से डिवाइड करोगे, इस नंबर को 3 से डिवाइड करोगे, तो देखो इसको लिखोगे आप 10 को लिख लोगे 3 × 3+1 × 2+3+1, ऐसे लिख लो, तो 3 से 3 × 3 × 2+2+3+1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से देखो सब कुछ क्या आ गया, इट इज जस्ट अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है ना, तो इसलिए ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। और ऐसा ये चीज प्रूफ करना कि अगर सम ऑफ द डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल होगा, ये यहीं से रास्ता उसका निकलता है, कभी मैं इस पे बात करूंगा। तो बच्चों नाउ कमिंग टू दिस, तो ये हो गया, दिस इज इक्वल टू 4 × 5 ओमेगा + 3 × ओमेगा स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो 4+5 × ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 4+5 ओमेगा, इसको 3 ओमेगा लिख लो, +3 ओमेगा स्क्वायर लिख लो, और 3 ओमेगा यहां पे है, +2 ओमेगा लिख लो, थोड़ा सा चीजें आसान हो जाएंगी। और यहां से आ जाएगा 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर -3 हो जाएगा, +2 ओमेगा, और 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1+2 ओमेगा, और 1+2 ओमेगा क्या है, -1/2 + √3/2, सो 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, सो 1 - 1 + √3, तो क्या आ गया आंसर बच्चों, √3। तो देख लो कौन सा आंसर है, आंसर मैच कर लो। बोलो समझ में आया, यस नो में जवाब दे दो। सबको समझ में आ गया क्या, कोई ऐसी चीज बड़ी चीज है जो आप नहीं कर सकते हो, मुझे तो नहीं लगता है कि ये कोई बड़ी चीज है। बस आपको क्या है बच्चों, अब देखो अगर आप कुछ चीजें अच्छे से समझा दी जाए, मेरा ये मानना है, बहुत विश्वास है मेरा, कि अगर चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए ना तो हर एक बच्चा कर सकता है। लेकिन अब हर एक बच्चा करता नहीं है, ये भी रियलिटी है,
उसका रीजन क्या होता है, या तो उसको एक सही डायरेक्शन नहीं मिला, या उसको सही डायरेक्शन मिला और उसने हार्ड वर्क नहीं किया, उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं था, ट्रस्ट नहीं था, प्रॉब्लम वहां पे आती है। जिद्दी होना पड़ता है सक्सेस पाने के लिए, यू हैव टू बी जिद्दी। आपके पास पेशेंस होना चाहिए, इनफाइनाइट पेशेंस। यू शुड हैव अ मोटिवेशन टू डू अ कंटिन्यूअस हार्ड वर्क। और आपके पास ये होना चाहिए कि आप कभी भी अपने आप को डिफीटेड फील मत करो, नेवर फील डिफीटेड। तो ये सब कुछ चीजें होती हैं जो हम, ऐसा नहीं है हर एक इंसान अपने अंदर वो डेवलप कर सकता है। अब बच्चों देखो एक और क्वेश्चन, मैं सारे क्वेश्चन उसी तरह के क्वेश्चन सर्च कर रहा हूं जिसमें क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आए हुए हैं। तो चलो एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 1 to 8 ओमेगा, बी माइनस 1 to 8 ओमेगा, सी 1 to 8 ओमेगा स्क्वायर, डी माइनस 1 to 8 ओमेगा स्क्वायर। नाउ बच्चों ध्यान से सुनो, यहां पे देखो आईआईटी में भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए ऐसे जो कॉन्सेप्चुअली उसमें एरर है। तो यहां पे बच्चों इसकी जगह पे होना चाहिए, मैं चेंज कर देता हूं, मॉडिफाइड क्वेश्चन, इज एन नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इमेजिनरी गलत है बच्चों, क्योंकि देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने होते हैं। और ये बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, मेरे फ्रेंड हैं जो आईआईटी के अंदर हैं, जो पेपर आईडी का सेट करते हैं, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, ठीक है ना। तो जो मैं बात बोल रहा हूं उसको बहुत अथॉरिटी के साथ लो, वो उसको ऑफिशियली मतलब एक तरीके से दैट इज इक्विवेलेंट टू अ ऑफिशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो बच्चों देखो, क्योंकि देखो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करोगे ना, तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो कॉन्सेप्चुअली जिसमें प्रॉब्लम है, लेकिन आप उसको सही मान करके करते हो तो आपके अंदर एक बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो इसलिए मेरा यहाँ पे स्टेटमेंट देना जरूरी था। देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है ना, जो इमेजिनरी का मतलब होता है आयटा, 2 आयटा, 3 आयटा, -4 आयटा, ठीक है ना, ये मतलब होता है बच्चों इमेजिनरी का मतलब। नॉन रियल वर्ड ज्यादा बेटर वर्ड है यहाँ पे, लेकिन आप मतलब तो समझ गए होंगे कि वो वन को नहीं लेना चाहते हैं, उनका उनका जो एम है यहाँ पे वन को नहीं लेना चाहते हैं, दैट्स ऑल। तो मतलब तो निकल रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। तो नाउ कमिंग टू दिस, लेकिन अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो नॉन रियल बोलना उसको ज्यादा बेटर है। अब देखो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बच्चों क्या होता है, जीरो होता है, तो वन प्लस ओमेगा यहां पे है, तो इसको आप लिख लो, वन प्लस ओमेगा को लिख लो, आप वन प्लस ओमेगा को लिख लो माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 आ गया, और ये बन जाएगा -2 ओमेगा की पावर 7, और -2 को अलग कर लो, ये आ गया। और -2 की पावर 7 आपको पता ही है क्या होता है, -2 की पावर 7 क्या होता है बच्चों, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 × 128, सो -128। और ओमेगा की पावर 7 को कैसे डील करोगे, ओमेगा की पावर 7 को आप लिख लो ओमेगा की पावर 6 + 1, दैट इज ओमेगा हो जाएगा ओमेगा। तो देखो आ गया आंसर आपका, सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी डी और बी में कंफ्यूजन है क्या। सो -128 ओमेगा इज द आंसर।
ठीक है, गुड। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया आपको। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बच्चों और आया हुआ है एग्जाम में, वो भी मैं देख रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ कहाँ पे है वो। अच्छा, कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं ऐसे, यहाँ पे एक डिटरमिनेंट दिया गया है। तो बच्चों वो डिटरमिनेंट का मतलब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जान लो, जिससे कि वो क्वेश्चन भी आप करना शुरू कर दोगे। सर पिछले क्वेश्चन में माइन ओमेगा की पावर 14 है। यस सर, ओमेगा की पावर 14 आएगा, सही कह रहे हो। आई एम सॉरी, तो यहां से क्या जाएगा, ओमेगा की पावर, सॉरी ये तो 7 ही आएगा, लेकिन ये -2 की पावर 7, ओमेगा की पावर 14 आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, एंड आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ। 128 और ओमेगा की पावर 14 को ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो इसको, क्योंकि ओमेगा की पावर 14 को क्या लिख सकते हो, ओमेगा की पावर 12 + 2, सो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो इसका इसमें आंसर क्या आएगा, अच्छा इसीलिए आप लोग बता रहे थे, ये डी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है, आई एम सॉरी। देखो मुझसे भी इस तरह की मिस्टेक, कंप्यूटेशनल मिस्टेक हो सकती है, तो ये कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक तो नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। तो चलो, तो ये जो है बच्चों, एक थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक चीज और आती है, थोड़ा सा आप लिख लो उसको, डिटरमिनेंट होता है, डिटरमिनेंट, का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा जान लो बस। तो बच्चों जैसे कि मान लो ये कोई डिटरमिनेंट है, जैसे दो दो लाइन होती हैं और ये यहां पे नंबर्स होते हैं ABCD, ठीक है ना, तो ये इसकी जो वैल्यू, इसको बोलते हैं 2/2 डिटरमिनेंट, 2/2 डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर इज डिटरमिनेंट, ऑर्डर 2/2, ऑर्डर इज 2/2, ठीक है ना, 2/2 ऑर्डर का ये डिटरमिनेंट है। और इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं जान लो, तो आप अर्जित सही हो गया ना, नाउ इज इट फाइन ना, आंसर इज फाइन बच्चों, ठीक है ना, अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना, फाइनली क्वेश्चन सही हो गया, सेट हो गया, ओके गुड, और सबको समझ में भी आ गया। नाउ देखो, ये एक 2/2 का डिटरमिनेंट है, ये आप आगे चल करके डिटेल में इसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल कुछ क्वेश्चन आपको दिखते हैं इस तरीके के, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटरमिनेंट को मिला करके क्वेश्चन बना रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ इसको, बहुत डिटेल में आपको पढ़ना भी है, तो अभी थोड़ा सा जान लोगे तो आगे एडवांटेज मिलेगा। तो ये इसकी वैल्यू होती है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए को डी से मल्टीप्लाई कर दो, -B × C, तो ये हो जाएगा AD - BC। तो बच्चों एक बात बताओ, इवेलुएट, चलो बताओ, 1, 2, 3, 4 बताओ, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी -2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 10, बताओ आंसर क्या आ गया इसका, सब लोग बताओ। सब लोग बताओ, सब लोग बताओ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आ जाओ 3/3 पे, 3/3 पे आप लोग मेहनत देखो, आप जितना देखो मेरा सिलेबस, तो देखो मैं रोहतक में सबसे पहले कंप्लीट करता हूं, 12th की मैं बात कर रहा हूं, 11th की बात नहीं कर रहा, 11th का तो मैं चलाता रहता हूं लास्ट तक, ठीक है ना, और 11th का तो करीब करीब सभी के साथ ही कंप्लीट होता है, लेकिन 12th का सिलेबस मेरा सबसे पहले कंप्लीट रोहतक में होता है, क्योंकि रिवीजन का टाइम मैं बच्चों को देना चाहता हूं। और अगर आप हार्ड वर्क करोगे मेरे साथ, अगर मेहनत करोगे अगर आप, तो जितना जिस टाइम पे सिलेबस कंप्लीट होता है उससे थोड़ा पहले ही हो जाएगा। नहीं करोगे ज्यादा मेहनत तो देखो एक 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 डेफिनेट एक डेट होता है, उसके पहले पहले मुझे सिलेबस कंप्लीट करना होता है, लेकिन अगर थोड़ा मेहनत करोगे मेरे साथ सभी लोग, तो मेरी स्पीड थोड़ी सी बढ़ सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं आपको ज्यादा और ज्यादा चीजें 11th क्लास में ही पढ़ा दूंगा, तो थोड़ा मेहनत करो। सो ये मत सोचो, आप सोचते होगे ना कि सर तो पढ़ा ही रहे हैं मुझे, मैं चलो मैं अपना अपना काम कर रहा हूँ, सर अपना काम कर रहा है, ऐसे नहीं, आप लोग मेहनत करो और वो चीज मुझे पता चल जाएगी कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, आपके आप जो टेस्ट जो लिखते हो उससे पता चल जाएगा, आप चैट पे जो रिप्लाई करते हो उससे मुझे पता चल जाएगा, जो आपसे मेरी बातचीत होती है उससे पता चल जाएगा कि कितना आप हार्डवर्क कर रहे हो। तो हार्डवर्क करो, हार्डवर्क की कोई लिमिट नहीं है बच्चों, ये ध्यान रखना,
और हार्डवर्क ऐसी चीज है कि आप ज्यादा खाना खाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन ज्यादा पढ़ाई करोगे, मतलब सोना जरूरी है, 7-8 घंटे सोना जरूरी है, लेकिन 7-8 घंटे के अलावा अगर रेस्ट ऑफ टाइम अगर पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप जितना भी पढ़ लो आपके हेल्थ हेल्थ बेटर ही होगा, खराब नहीं होगा। तो पढ़ाई एक ऐसी चीज है, क्योंकि पढ़ने से हमारे अंदर क्या होता है, नॉलेज आता है, नॉलेज जब आता है हमारे अंदर ना तो हैप्पीनेस आती है, और बहुत ज्यादा हमारे अंदर एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन होता है, तो हमारा हेल्थ बेटर होता है पढ़ने से। हेल्थ एंड पढ़ाई बहुत रिलेटेड है, डीपली रिलेटेड है, ये ध्यान रखना। तो पढ़ो, पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि जितना करोगे उतना अच्छा है, लेकिन सोना भी जरूरी है, मैंने आपको बताया 7-8 घंटे सोना भी चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो देखो, आप डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2-3, चलो एक चीज और बता दो मुझे, अब इतना बता ही रहे हो तो एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा। हाँ, क्लास ये यूज होता है, ये फिजिक्स वाले टीचर्स ने आपको बताया होगा, ठीक है ना। तो देखो जो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, इसकी वैल्यू बता दो क्या आएगा। साइन थीटा पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कॉस थीटा, तीसरा ऑप्शन साइन थीटा कॉस थीटा, और डी ऑप्शन 1, बताओ सब लोग बताओ। तो बच्चों चाहे थीटा कुछ भी क्यों ना हो, ये हमेशा 1 होगा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि देखो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और माइनस एक ऑलरेडी लगा हुआ है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ओके गुड। अब बच्चों थ्री बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, थ्री बाई थ्री, और इसको सिंपली जो है बच्चों 3-3 भी बोल देते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। तो अब ये समझो ये कैसे आता है, तो बच्चों A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ऐसे मैंने लिख लिया इसको, थोड़ा सा अच्छा लगता है लिखना ऐसे। अच्छा बच्चों एक बात मैं आपको और बताता हूं, ध्यान से सुनो, इसको बोलते हैं फर्स्ट रो, इसको बोलते हैं सेकेंड रो, इसको बोलते हैं थर्ड रो। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या है, और इनको बोलते हैं एलिमेंट्स, तो A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो की एंट्रीज है, और इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो ये बस जान लो। इसको बोलते हैं 1-1 एंट्री, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंट्री, इसको बोलते हैं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एंट्री, इसको बोलते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंट्री, ठीक है बच्चों। अब इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो, इसको एक्सपेंड करते हैं A1, ऐसे A1 लिख लो, ये जो 2x2 के जो डिटरमिनेंट अभी डिफाइन किया था ना उसी के टर्म्स में इसको एक्सपेंड करते हैं, कैसे देखो, A1 ले लो, और A1 किस रो में बिलोंग करता है, फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो को डिलीट कर दो, और फर्स्ट कॉलम में बिलोंग करता है, फर्स्ट कॉलम को भी डिलीट कर दो, तो जो बच गया वो क्या है, ये बच गया, तो इसको लिख लो यहां पे B2 C2 B3 C3, और देखो बिल्कुल वही चीज है, डिटरमिनेंट वही है, आप क्रॉस प्रोडक्ट में, वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट में आप यूज करते हो, माइनस B1, इसलिए तो मैं बोलता हूं कि मैथ्स अगर ठीक से पढ़ोगे तो फिजिक्स में फायदा जरूर मिलेगा, और फिजिक्स का भी फायदा मैथ्स में मिलता है, लेकिन मैथ्स का फायदा फिजिक्स में ज्यादा मिलता है, ये सच्चाई है, केमिस्ट्री में भी मिलता है। तो बच्चों देखो, अब यहां पे माइनस B1 आ जाएगा, ये प्लस, यहां पे देखो ये प्लस और यहां पे माइनस आ जाएगा, माइनस B1, और फिर ये माइनस, ये B1 किस रो में बिलोंग करता है, फर्स्ट रो में, किस कॉलम में बिलोंग करता है, सेकंड कॉलम, इसको डिलीट कर दो, तो बचेगा क्या, बचेगा A2 C2 A3 C3 प्लस C1, इसको बोलते हैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंशन, और फिर C1 किस रो में बच्चों बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो में, किस कॉलम में, थर्ड कॉलम में, ये बच गया, इसको लिख दो फिर से A2 B2 A3 B3। अब यहां पे आपको मैं बता दूं प्लस माइनस का लॉजिक क्या है, A1 के पहले प्लस है यहां पे, और B1 के पहले माइनस है, और C1 के पहले प्लस है, उसका रीजन क्या है कि देखो ये 1-1 एंट्री है, और 1-1 का सम कितना है, 2 है,
ये 1-2 एंट्री है, 1 और 2 का सम कितना है 3 है, 8 है, ये 1-3 एंट्री है, 1 और 3 का सम क्या है इवन है, तो ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है और ये ऑड है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ये आपको याद करने का तरीका ऐसे समझ लो। अब बच्चों इसको एक्सप्लेन करने तो आपको आता ही है, ये तो एक्सप्लेन करने आता ही आपको, 2/2 का अभी मैंने आपको सिखाया था, तो फिर इसके बाद A1 और ये क्या जगह B2C3 माइनस B3C2 माइनस B1A2C3 माइनस A3C2 प्लस C1A2B3 माइनस A3B2। बच्चों अच्छे से लर्न कर लो, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आएगा। अब एक बात मुझे बता दो, एक क्वेश्चन का ये समझ में आपको आ गया 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे एक्सपेंड किया जाता है? यस नो में जवाब दे दो सब लोग। ओके आप एक क्वेश्चन करके दिखा दो मुझे, 1-2-3, 3-2-1, 1-1-2 इसकी वैल्यू बताओ, मुझे भी नहीं पता है, मुझे भी निकालना पड़ेगा। चलो वैल्यू निकाल के बताओ, बताओ। सब लोग निकालो, सब लोग निकालो, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूं। बहुत अच्छा, आप लोग ग्रेस्पिंग देखो कितनी अच्छी है। सो -4, 4, 6, 0 तो -4 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और बच्चों ये देखो इसका आंसर ऐसे निकालो, 1 times 2, 1, 1, 2 -2 times 3, 1, 1, 2 +3 times 3, 2, 1, 1 और ये आ जाएगा 1 times 4 -1 -2 times 6 -1 +3 times 3 -2 तो ये हो जाएगा 3, 6 -1 कितना होगा 4, तो 8 हो जाएगा ना, सॉरी नहीं नहीं 5 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा +3 तो दैट इज -4। वेरी गुड। अब बच्चों एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो आया हुआ है आईआईटी को एग्जाम में, चलो उसको देखते हैं। सो लेट ओमेगा इज इक्वल टू या डब्ल्यू इज इक्वल टू -1/2 प्लस आयटा रूट 3/2 देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 1, 1, 1 पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है 1 -1 -ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, तीसरा कॉलम है 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। ऑप्शंस हैं और आप लोग करके मुझे पता है कर लोगे, और आप अभी निकाल के मुझे दिखाओ। ये है बच्चों, ये क्वेश्चन बच्चों ये भी आईटी का क्वेश्चन है, 2002 में आया वो क्वेश्चन है। चलो करके दिखाओ इसको।
देखो पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ये माइनस वन है, ध्यान देना ये माइनस वन माइनस ओमेगा स्क्वायर है। बी आंसर आ रहा है सभी सभी लोगों का, तो देखो सब लोग कर लोगे मुझे पता है, वन 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 वन, और इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है जीरो, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा माइनस वन, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा वन, तो ये भी बन जाएगा माइनस वन माइनस ओमेगा बच्चों बन जाएगा वन ओमेगा स्क्वायर, और वन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है। ऐसे बन गया, अब इसको आप एक्सपेंड कर दो सीधा सीधा, तो दिस इज इक्वल टू वन इंटू वन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा माइनस वन इंटू वन ओमेगा स्क्वायर। अभी तो मैं आप लोगों को ऐसे पूरा बता रहा हूं, आप थोड़ा सा जान डिटरमिनेंट थोड़ा सा और अच्छे से आ जाएगा ना, तो आप बहुत फास्ट कर लोगे, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह भी इसकी होती हैं, उनका यूज करके और जल्दी हो जाता है। तो वन 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 ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा की पावर फोर माइनस वन ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस वन, तो ओमेगा माइनस ओमेगा की पावर फोर को लिख लो ओमेगा माइनस वन ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ही रहने दो प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस वन, तो ओमेगा माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस वन। तो बच्चों यहां से कुछ कैंसिलेशन वगैरह भी हो रहा है क्या देख लो, या क्या हो रहा है देख लो, तो दिस इज इक्वल टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में वन कैसे, अच्छा हाँ ये तो गलत हो रहा है, यहाँ पे ओमेगा आएगा, आई एम सॉरी, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये वन प्लस ओमेगा प्लस ये मैंने यहाँ पे लिखा था, देखो आप लोग समझ जा रहे हो मेरा यहाँ पे कंप्यूटेशनल मिस्टेक था, अच्छी बात है। तो यहाँ पे पहले क्या था माइनस वन माइनस ओमेगा स्क्वायर, सो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा माइनस ओमेगा होगा, तो माइनस वन माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा ओमेगा आएगा, यस यस, इसलिए आंसर की तरफ हम बढ़ नहीं पा रहे थे। तो बच्चों ये थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हो गया है, और ये आप इसको करेक्ट कर लो, ये ओमेगा हो जाएगा। तो बच्चों ये जो है हमारा आएगा यहाँ पे, इसको थोड़ा सही कर लो, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा माइनस वन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और इसमें आ जाएगा ये थोड़ा सा चेंज होगा ओमेगा, अब ठीक है ना, देख लो, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर फोर माइनस वन ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा फोर को ओमेगा लिख सकते हो, माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। तो बच्चों ये फाइनली आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर थ्री ओमेगा स्क्वायर और माइनस थ्री ओमेगा, वेरी गुड, तो थ्री ओमेगा ओमेगा माइनस वन, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा लगा आज, आप लोग कंप्यूट बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो बच्चों ये सब सबको समझ में आ गया, यस नो में जवाब दे दो, मैं सभी से पूछ रहा हूं, यस नो यस नो, बस बस दो आंसर दो, और तीसरा आंसर दे सकते हो अगर कि सर थोड़ा समझ में आया, ठीक है ना, नो का मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आया, यस का मतलब पूरा समझ में आ गया, और तीसरा केस ये हो सकता है कि 50% समझ में आया, तो बताओ आप बताओ मुझे, जिससे मुझे आइडिया मिल सके, ओके।
ओके ठीक है बच्चों, तो देखो ये अच्छा एक क्वेश्चन और, आज चलो आज क्वेश्चन ही करा देता हूं। व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ माइनस एट, व्हाट इज द क्यूब रूट्स ऑफ माइनस एट। ऑप्शन ए -2 -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन बी 2 -2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, सी 2 2 ओमेगा। ये भी क्वेश्चन आईआईटी का है बच्चों, मुझे याद ही है क्वेश्चन, ये तो मुझे ये देखने की मुझे जरूरत भी नहीं है कि कहां पे ये क्वेश्चन है, लेकिन ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ माइनस एट, और डी ऑप्शन भी चलो बना लेते हैं। तो बच्चों ध्यान से थोड़ा सा संभल करके जवाब देना है इसका। देखो सोल्यूशन, 1 की पावर 1/3 क्या होता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तीन वैल्यूज होती हैं इसकी। तो -8 की पावर 1/3 क्या होगा, -8 की पावर 3 जो होगा बच्चों वो होगा ये हो जाएगा -8 की पावर लिख लो इसको 1/3, और 1 की पावर 1/3 लिख लो ऐसे। ये एक ट्रिक है, दिस इज ए ट्रिक, ये कोई रिगरस मेथड नहीं है, एक बस समझने के लिए है। रिगरस मेथड मैं आपको बता दूंगा क्या होगा। अब 1 की पावर 1/3 की 3 वैल्यू होती है और -8 की पावर 1/3 है, तो ये -2 ले लो, तो क्या हो जाएगा -2 × 1 की पावर 1/3, और ये क्या हो जाएगा -2 -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। बोलो समझ में आया, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देखो इसका क्यूब करो, -2 का क्यूब क्या आएगा -8, -2 ओमेगा का क्यूब करो, यहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा, तो क्या आ जाएगा -2 क्यूब × ओमेगा क्यूब, और ये क्या आ जाएगा 1 -2 ओमेगा स्क्वायर का क्यूब करो, ये क्या आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। अब बच्चों एक क्या क्या हाँ -8 आएगा, सॉरी -8 ऊपर भी सर, हाँ ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आ गया। तो ये यहां से अब एक चीज और बता दो, चलो व्हाट आर द क्यूब रूट्स ऑफ एट, बताओ। ऑप्शन ए 2 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन बी -2 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, सी 2 -2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, डी नन ऑफ दिस, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो बच्चों ट्रिक क्या है, व्हाट इज द ट्रिक ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो ट्रिक ये है कि 8 का क्यूब रूट निकालना है, तो 8 का कोई भी एक क्यूब रूट निकाल लो, तो एक कोई भी क्यूब रूट क्या हो गया 2 हो गया, और फिर 1 का क्यूब रूट निकाल लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। देखो टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8 की पावर 1/3 व्हाट यू डू, यू जस्ट फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8 बाय हीट एंड ट्रायल एंड दैट इज 2, एंड देन फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1, तो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, और इस 2 को यहां पे मल्टीप्लाई कर दो बारी बारी से। जैसे देखो -8 का क्यूब रूट निकालना था, तो आप निकालो 1 का क्यूब रूट, क्या आएगा 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, एंड बाय हीट एंड ट्रायल यू जस्ट फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -8, तो -2, कोई भी एक क्यूब रूट ले लो -2, और -2 को यहां पे मल्टीप्लाई कर दो। ट्रिक समझ में आया बच्चों ये कि नहीं आया, टेल मी डिड यू गेट दिस ट्रिक। जैसे बच्चों देखो व्हाट आर द
फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी. तो सोल्यूशन आएगा बच्चों वन माइनस वन आयटा माइनस आयटा. क्यों? क्योंकि इन सभी का पावर वन की पावर फोर वन होता है, माइनस वन की पावर फोर भी वन होता है, आयटा की पावर फोर भी वन होता है और माइनस आयटा की पावर फोर भी वन होता है. अब क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द फोर्थ रूट ऑफ रूट्स ऑफ 16. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है. तो बच्चों देखो ट्रिक क्या है, वन के आप फोर्थ रूट्स निकालो तो क्या आएगा वन माइनस वन आयटा माइनस आयटा, और 16 का कोई भी एक निकाल लो, 16 का कोई भी एक क्यूब रूट निकाल लो, जो भी आपके दिमाग में सॉरी फोर्थ रूट निकाल लो कोई भी एक, तो 2 आ गया. सो 16 की पावर 1 बाई 4 जो होगा बच्चों हो जाएगा 2 को इससे मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 1 2 इंटू माइनस 1 2 इंटू आयटा 2 इंटू माइनस आयटा. तो यहां से क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 2 आयटा माइनस 2 आयटा. यही रीजन है बच्चों कि हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ रहे हैं या फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी पढ़ रहे हैं. आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा ना कि व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ एनी अदर नंबर, तो क्यूब रूट ऑफ एनी अदर नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. डिड यू गेट दिस क्वेश्चन और नॉट? सभी लोग जवाब दे दो, अब क्लास एंड होने वाली है, सभी लोग ये बात इस बात का जवाब दे दो कि हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बाकी किसी भी नंबर का क्यूब रूट अगर निकालना है तो हम वो निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. बोलो ये बात समझ में सबको आया? यस नो में जवाब दे दो.